महू तहसील के सिमरोल थाना क्षेत्र के ग्राम कालाकुंड में युवक की रक्त रंजित लाश मिली थी, जो प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही थी। उसके बाद पुलिस ने जांच करनी शुरू की, जिसमें पुलिस ने मृतक के छोटे भाई व उसके साथी को पकड़कर पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों टूट गए और हत्या करना कबूल कर लिया, जिसका खुलासा एएसपी सुनीत गहलोत ने एसडीओपी अजय वाजपेयी व थाना प्रभारी के साथ प्रेस वार्ता कर आयोजित करके बताया कि 3 दिन पहले कालाकुंड रेलवे स्टेशन के पीछे चोरल नदी पर बने स्टॉप डैम पर लाश मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर एफएसएल टीम प्रभारी मंडलोई के साथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे घटनास्थल पहुंचकर शव का निरीक्षण किया, जहां मृतक का बायां जबड़ा दाहिना हाथ की कलाई से कटा हुआ तथा दाहिने हाथ की हथेली में गंभीर चोट के निशान थे, जो धारदार हथियार के प्रतीत हो रहे थे। थाना सिमरोल में जो कालाकुंड गांव है, उसमें स्थित रेलवे स्टेशन के पीछे चोरल नदी में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और एफएसएल टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। जो डेड बॉडी थी, उसको प्रथम दृष्टया देखते हुए यह पाया गया कि बॉडी पर हथियार से काफ़ी 2-3 गंभीर घाव देखने को मिले थे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उस उक्त अज्ञात व्यक्ति को मारकर नदी में फेंका गया है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिस पर यह पाया गया कि जो बॉडी थी वो सेवाराम कोहली, जो निकटस्थ गांव कालाकुंड का ही रहने वाला था और मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न था, उस व्यक्ति की थी। क्योंकि घटना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी साक्ष्य मौजूद नहीं था, तो पूर्ण रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी की लीडरशिप में थाना प्रभारी सिमरोल के द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम ने लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए मुखबिरों को सक्रिय करते हुए 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए चिन्हित किया। ये संदिग्धों के जो नाम है रमेश कोहली और चितर सिंह, जो कि कालाकुंड के रहने वाले हैं, और रमेश कोहली मृतक का सगा छोटा भाई है। जब दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध कबूल किया और इसका जो मोटिव उन्होंने बताया रमेश कोहली के अनुसार कि जो मृतक है, मृतक का मछली पकड़ने के व्यवसाय में गांव में दबदबा था, जिसको वो ख़त्म करना चाहता था और स्वयं का इस क्षेत्र में मोनोपोली स्थापित करना चाहता था, जिस पर से इन्होंने मृतक के साथ जाकर नदी पर ही दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से सेवाराम कोहली की हत्या की और उसके शव को नदी में फेंक दिया। इस पर जो टीम है थाना सिमरोल की, उसने काफ़ी सराहनीय योगदान दिया और जल्द से जल्द इस मर्डर का खुलासा किया, जिस पर एसपी वेस्ट महोदय के द्वारा टीम को नगद इनाम की घोषणा की गई। दोनों सगे भाई थे और छोटे भाई रमेश कोहली ने ही बड़े भाई की हत्या की, और हत्या का कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि मछली पकड़ने का जो एरिया था वहाँ पर सेवाराम कोहली का दबदबा था, जिसे वो खत्म करना चाहता था। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।